कैसे हो दोस्तों, स्वागत है मॉन्स्टर हंटर के एक और एपिसोड पे। तो लास्ट टाइम जैसा मैंने कहा था कि रैथियन या फिर जो क्या कहते हैं मिस्ट्री मॉन्स्टर है उसके फुटप्रिंट्स मैं ऑफ स्क्रीन ही कलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि एक्सपेडिशन में जाते जाते तुम भी बोर हो जाओगे हंट वगैरह नहीं देख करके, और मुझे भी ज़्यादा कुछ हंट करने का मौका नहीं मिलेगा। बट अभी मैं हूँ वाइल्ड स्पायर वेस्ट पे, और यहाँ पर मैंने कलेक्ट कर लिया है लास्ट बिट ऑफ फुटप्रिंट्स, राइट। तो लास्ट बिट ऑफ फुटप्रिंट्स कलेक्ट होते ही हैंडलर का मैसेज आया था। तो यार वापस चलते हैं एस्टेरा पे, ट्रेड यार्ड पे। और मैं यहाँ से इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ मिड गेम पे, क्योंकि जैसे ही लास्ट फुटप्रिंट कलेक्ट होता है ना, जैसे ही रिसर्च लेवल पूरा ही फुल हो जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम कोई भी कटसीन वगैरह मिस ना करो। क्योंकि मैं भले ही ऑफ स्क्रीन चीज़ों को कलेक्ट कर लूँ, लेकिन अगर कटसीन मिस हो गया तो तुम स्टोरी मिस कर दोगे। तो अभी जाना है इकोलॉजिकल रिसर्च के पास ये अंकल जी, और इनका कहना है इम्पेकेबल टाइमिंग डियर हंटर, वी हैव मेड प्रोग्रेस विद दैट मिस्ट्री मॉन्स्टर। वी हैव डिटरमिन्ड द मॉन्स्टर इज करंटली लर्किंग इन कोरल हाइलैंड्स। इट वोंट बी लॉन्ग बिफोर द कमांडर गिव्स यू द ऑफिशियल ऑर्डर। गुड लक आउट देयर इन द फील्ड एंड डू नॉट गेट हर्ट। सो व्हाट इज इट? ठीक है ठीक है, शायद अभी कमांडर के पास जाना है और वो भी इस मिस्ट्री मॉन्स्टर को हंट करने के लिए बोलेगा, और शायद ही कोई बड़े लेवल का रैथलॉस होगा वो। टीम लीडर हटाओ इसको, कमांडर के पास चलते हैं। ओके, जस्ट हु आई वाज लुकिंग फॉर। मेंबर्स ऑफ द इकोलॉजिकल रिसर्च टीम हैव पिन पॉइंटेड वेयर It is that made those strange tracks. It's in Coral Highlands. Once you're ready, sign up for the quest. I need our hunters to ascertain what we are up against. It is something bad or something worse. Whatever it is, we are going to have to face it eventually. That's what we do here after all. क्वेस्ट का नाम है ओल्ड वर्ल्ड मॉन्स्टर इन न्यू वर्ल्ड। तो ऐसा लग रहा है मॉन्स्टर हंटर के पुराने गेम से कोई तो भी एक मॉन्स्टर है। असाइन में जाते हैं ओल्ड वर्ल्ड मॉन्स्टर इन न्यू वर्ल्ड। यार इसको तो कैप्चर ही करना है। ठीक है, और क्योंकि जैसे कि ट्रैक्स से मुझे पता चला कि वो मॉन्स्टर जो है वो रैथलॉस से रिलेटेड था, मैं रिस्क नहीं लूँगा। हमेशा की तरह मैं इंसेक्ट ग्लेव यूज़ करूँगा फ्लाइंग मॉन्स्टर्स के लिए, क्योंकि क्या पता मतलब कितनी देर तक हवा में वो उड़ते रहे और कितनी देर तक तुम नीचे रह के उनके अटैक्स को ब्लॉक करते रहोगे या फिर उनके अटैक्स को सहते रहोगे या भागते रहोगे। बेस्ट है उनको हवा में ही नीचे गिराओ और नीचे गिरते ही उनको और मारो। तो यार कटसीन हो चुका है शुरू, मैं कर लेता हूँ अपना मुँह बंद। लग तो रहा है रैथियन ही है, लेकिन ये पिंक रैथियन है, और हैंडलर कहती है कि ये सब स्पीशीज है। कर लेता हूं पावर अप कलेक्ट। यहां पर इसको स्टन डाउन करने के लिए कुछ है भी नहीं, तो थोड़ा पीछे जाता हूं। अरे यार कुछ ज्यादा ही तेज है ये। अरे बाप रे, तो पुराने मॉन्स्टर से तो ज्यादा खतरनाक है ये। कोई नहीं, इधर आ। बस नाइस, ऐसे ही। अरे हाँ,
बैक फ्लिप मारता है ये, बट ठीक है, कर दिया मैंने इसको वॉल बैंक। यार ये गाजल आकाश भी यहाँ पर मौजूद है, इनका काम यही होता है तुमको हंट के टाइम पे डिस्टर्ब करना। एक और शॉट, राथियन को सुला दिया इन लोगों ने। मैं क्या करूँगा, यही टाइम लूंगा और बढ़िया। एक और बार, बढ़िया, बच गया उसके पूंछ से। स्टैमिना गलत टाइम पे खत्म हुआ मेरा। तो यार लेगियाना भी यहां पर आ चुके हैं, उन दोनों को करने दो टर्फ वॉर। लेकिन टर्फ वॉर ऐसा लगता शुरू नहीं हुआ अब तक, करेंगे भी या नहीं। टर्फ वॉर नहीं होगा जितना मुझे लग रहा है, गलत जगह पर सवार हो गया मैं। एक तो टाइम वेस्ट है, ऊपर से स्टैमिना वेस्ट है, ऊपर से शार्पनेस भी वेस्ट है इस पर। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सह लेंगे। तो यार लेके आना नीचे गया, बढ़िया डॉज था यार। ओके, राथियन पर मैं फिर से सवार हो चुका हूं। लेगियाना भी अपनी हेल्प कर रहा है इधर पे। आइस ब्लाइट पड़ गई मेरे को, शायद अभी स्टैमिना जल्दी ड्रेन होगा। कोई नहीं, नलबेरी खा लूंगा जल्दी से, लेकिन नलबेरी लगता नहीं है मेरे पास है, नहीं है। ओके, उन दोनों को लड़ने देते तब तक। आग और बर्फ, बढ़िया, इसी की कमी थी। क्यों मेरे को, क्यों यार, करे कोई भरे कोई, बट ठीक है, सह लेंगे। बुरी टाइमिंग, पाकड़ बिल्ले ने हील तैयार कर रखी है, वो ले लूंगा। बढ़िया, ऐसा लग रहा है पंख तोड़ दिए मैंने उसके। बढ़िया डॉज रोल, पावर अप्स भी खत्म ही हो रहे हैं ऑलमोस्ट। एक और, एक और, वो लगना नहीं चाहिए था, वो पता नहीं क्यों। अरे यार, अरे यार, गलत टाइमिंग, गलत जगह, सब कुछ गलत, और ऊपर से मैं पॉइजन्ड हूँ अभी। शार्पनेस खत्म हो गई मेरी, कोशिश करता हूँ शार्पनेस वापस लाने की। नाइस डॉज, टिट्ज़ियाकू, इसको स्टन कर। टिट्ज़ियाकू नहीं, अब देख सकते हो टिट्ज़ियाकू साइड में ही खड़ा है, लेकिन अभी तक कुछ कर नहीं रहा। अभी करेगा, नाइस। इसके पैरों से वाइट एक्सट्रैक्ट उठा लेता हूं, शायद नहीं। फिर से नहीं यार, बहुत ज्यादा सरप्राइज अटैक्स है इसके। वाइट एक्सट्रैक्ट मिल चुका है,
बहुत ही सही टाइमिंग थी अपनी और मैं फिर से हो चुका हूँ सवार। कोशिश करूंगा इस बार इसको टेंडराइज करने की क्योंकि इसके पार्ट्स इतने ज़्यादा मजबूत है कि मेरे अटैक्स ही इसके ऊपर से बाउंस हो रहे। किंसेट भी चार्ज किया नहीं है मैंने। डाउन डाउन डाउन, नाइस। बस गलत जगह पकड़ लिया। ओहो एक और बार, नाइस। डाउन, नाइस। ओ ट्रिपल स्टन, नाइस नाइस। ऐसे और दो और स्टन मिल जाए बस फिर रैथियन खत्म। कुछ ज्यादा ही ग्रीडी हो गया मैं उस टाइम पे। और एक्सपेक्टेड था यार, बट कोई दिक्कत नहीं, इस बार मील करके जाऊंगा ताकि और थोड़ा अच्छे से खेल सकूं। पे विद मनी, शेफ चॉइस प्लेटर, हेल्थ 50, स्टैमिना 50। तो यार हेल्थ बार देख सकते हो अभी कितना बढ़ चुका है। और मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं ऑफ स्क्रीन में था तब तक मैं मियास्कुलर शेफ के भी बाकी के क्वेस्ट कर रहा था। कुछ खास नहीं थे, बस कुछ आइटम्स वगैरह कलेक्ट करने थे। और सारे क्वेस्ट मैंने कंप्लीट नहीं किए, बता दूं तुमको, मियास्कुलर शेफ के और एक दो क्वेस्ट बाकी होंगे शायद से। कोशिश करूँगा उसको इसी वीडियो पर कम्प्लीट करने की, या फिर पहले रैथियन को मारते हैं यार। एक बार रैथियन मरा तो कोशिश करूंगा इंसेक्ट ग्लेव को अपग्रेड कर दूं और इससे एक बार फिर से लड़ने चलेंगे। थोड़ी सी मतलब शर्म की बात है कि मैं दूसरा वेपन यूज़ करना नहीं चाहता क्योंकि वेट करना अच्छा नहीं लगता मेरे को एकदम ज़मीन पे, लेकिन इसको देखकर भी लगता है कि ज़्यादा ज़मीन पर रहता भी नहीं है, मतलब ज़्यादा टाइम ज़मीन पर रहता है और हवा में ज़्यादा रहता नहीं है। तो कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम इसको लॉन्ग स्वॉर्ड या फिर ग्रेट स्वॉर्ड से ख़त्म करने की। रेस्टिंग पोजीशन भी इसका हवा पे है। दूसरा पावर अप और ये तीसरा किनसेक पावर अप। नाइस, डॉज रोल। अगर समझ नहीं आया वहां पर क्या हुआ, मैंने उसके रोर को डॉज रोल कर दिया यानी कि आई फ्रेम कर दिया। तुम्हारे पास जितना ज्यादा इवेजन विंडो का पॉइंट्स रहता है ना, इवेजन विंडो स्किल पॉइंट रहता है, उतना ही ज्यादा आसान पड़ जाता है किसी भी अटैक को या फिर किसी भी दहाड़ को डॉज कर लेना। उसके एलिमेंट को मैं ख़त्म कर चुका हूँ, देख सकते हो वो आग नहीं फेंक पाया, या फिर आग नहीं फेंक पाई क्योंकि टेक्निकली ये फीमेल है। इसको इसके पैरों के सामने रुकना, एक और बार डॉज रोल, नाइस। इसके पैरों के सामने रुकना सबसे ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। कैसे कैसे, मैं ऊपर था उसके। नाइस डॉज, बेकार कोशिश, और हो गया मैं स्टन। बहुत सही बहुत सही। मुझे लगा था मैं किसी परिंदे से लड़ने वाला हूं लेकिन ये मैराथन रनर है। सामने आ, नाइस डॉज, पावर अप और ये अटैक। ओ उसके थ्रू गए अगर तुमने नोटिस किया तो। नाइस, nice.
फिर से डॉज, नाइस, एक और बार, नाइस, हेडशॉट, ओ नाइस नाइस नाइस। तो यार ये जो है ना, ये कोरल हाइलैंड्स का एक और एनवायरमेंटल ट्रैप है, बेसिकली वाटर वेव ट्रैप टाइप का है। तो इसमें अगर तुम किसी भी मॉन्स्टर को फोर्स टर्न कर देते हो तो वो वहीं पर अटक जाता है। पत्थर मार रहा हूँ मैं, एनी हाउ। तो यार पिंक ग्राथियन हो चुका है कमज़ोर, या फिर हो चुकी है कमज़ोर। स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर या फिर स्ट्रॉन्ग फीमेल मॉन्स्टर। तो चल लेता हूँ उसके रास्ते पे और इसके नेस्ट में जाके मैं करूँगा इसको कैप्चर करूँगा इस बार। मर्डर नहीं करूँगा क्योंकि नया क्वेस्ट है, नया रैंकिंग है, नए मिशंस है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा रिसोर्स हो जो मेरे से छूट जाए। और क्योंकि अब मेरे को पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम ज़मीन पे स्पेंड करता है, हवा में ज़्यादा टाइम रुकता नहीं है, रुकती नहीं है, तो अगले हंट के लिए मैं शायद ग्रेट स्वॉर्ड या तो लॉन्ग स्वॉर्ड लेके आऊँगा। राथियन देख लेता हूँ पहले, मेरे पास ट्रैप टूल्स है भी नहीं, शायद नहीं है, या है, ट्रैप टूल्स नहीं ही है लगता है, क्राफ्ट करना पड़ेगा। एक बार चेक कर लेना सही रहता है, नहीं तो पता चला कि मॉन्स्टर के बेस पे पहुंच करके हम लोग क्राफ्ट कर रहे हैं ट्रैप टूल्स, और उतने में वो उठ गया और अपने को कर दिया उसने वन शॉट। कहाँ लेके जाना चाहते स्काउट फ्लाइज? अच्छा ओके ओके, सो रहा, ओके। ट्रैप टूल्स यार प्लेस नहीं कर पा रहा मैं, क्योंकि शायद ये नेट टाइप का स्ट्रक्चर सही, इसलिए, और पत्थर में ट्रैप टूल्स प्लेस हो रहे हैं तो जगाना ही पड़ेगा इसको, और इसको थोड़ा इधर लेके आऊंगा। आजा पासा, नहीं हुआ यार, यहां पर हो रहा है, तो यहां पर प्लेस कर देता हूं। इधर आ, इधर आ, इधर आ, बहुत सही बहुत सही, एक और, एक और, नाइस। कुछ कुछ एनवायरमेंटल ट्रैप्स ऐसे भी होते हैं कि जहां पर तुम ट्रैप टूल्स वगैरह नहीं रख सकते, भले ही वो नेट ट्रैप हो या फिर ये क्या कहते हैं, पैरालिसिस ट्रैप। पर ठीक है, राथियन कैप्चर हो गया, हो गई, एक और फाइट करेंगे इसके साथ। इस बार लेके आऊंगा मैं ग्रेट स्वॉर्ड। लूट थोड़ी सी कम मिली है वैसे तो, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार मैंने फेंट भी मारा वहां पे, तो एक फेंट मारने के बाद, शायद एक गेम ओवर मारने के बाद रिवॉर्ड्स वैसे ही कम हो जाते हैं। Never thought we'd find her in the Coral Highlands. It takes a small combination of miracles for a subspecies to emerge. At least that's what the scholars said. All the same, she's in remarkable condition. Textures load ho rahe hain yahan pe. She must have grown somewhere rich in nutrients. I might know where that is. Admiral! At last he returns. I've been enjoying watching your exploits. Fine work, I must say. Well done. Would it have killed you to help instead of just watching? What for? You seem to have it covered. Here, I brought you some souvenirs. तो अभी अपने ग्रुप में सुपर सैन 3 भी आ चुका है। Interesting. Where'd you get him? You know where you drove off, Big Ugly? Well, there's a spot further in there. And it's just loaded with these things.
They're incredible. It's like there's this energy pulsing inside them. Wasn't just me then. I'll wager they tie into this whole thing we've been studying somehow. Well, I intend to find out how. Raise your hand or paw if you're with me. Any of these jaggy brains up for a challenge? These two. Wait, what? Okay, you two. See you on site. I'll be at the tunnel. रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो ऐसे पकड़ा रहे जैसे बच्चे को चॉकलेट पकड़ाते हैं। उसने बोला उसको वेटिंग करना पसंद नहीं, लेकिन उसको और वेट कराएंगे क्योंकि मैं अभी रैथियन को और दो वेपन से मारने वाला हूँ। खैर जो भी है, पहले यार मैं जाऊँगा स्मिथी के पास, देखूँगा कुछ नया वेपन्स या फिर वेपन्स के लिए अपग्रेड करने के लिए कुछ है कि नहीं। वर्कशॉप प्लीज स्मिथी प्लीज, कुछ तो होगा अपग्रेड। ओके, तो लास्ट टाइम जो रिसोर्स मैं मिस कर रहा था वो था पिंक रैथियन स्केल, तो अभी 7 कलेक्ट हो चुके हैं तो वही करूँगा। एक बार ग्रेट सोर्ड से पिंक रैथियन को मारूँगा और एक बार लॉन्ग सोर्ड से। तो ग्रेट सोर्ड मैंने कर लिया इक्विप, लॉन्ग सोर्ड में हाँ लॉन्ग सोर्ड भी कर लेता हूँ मैं अपग्रेड। इक्विप नहीं, स्विच एक्स, लेकिन स्विच एक्स के लिए जोरा मैगडोरोस से वो कमेंडेशन लेना पड़ेगा। इंसेक्लिप भी अपग्रेड कर ही लेता हूँ। चार्ज ब्लेड भी इक्विप नाउ, यस कोई नहीं, ग्रेट स्वॉर्ड फिर से इक्विप कर लूँगा। चेंज इक्विपमेंट और ग्रेट स्वॉर्ड। तो यार फिर से चलते एक बार राथियन को हंट करने के लिए। होपफुली ऑप्शनल क्वेस्ट में एक और क्वेस्ट आ ही गया होगा। पोस्ट न्यू क्वेस्ट ऑप्शनल, प्रिटी इन पिंक, अ चेरी विंड अपॉन द रीफ्स। अच्छा ये कंप्लीटेड है और ये वाइल्ड स्पायर वेस्ट का है। ये परिंदा दो जगहों पर एक साथ रह सकता है शायद, या फिर कुछ तो भी अलग सा इकोलॉजिकल चीज़ होगा, या फिर पता नहीं। मॉन्स्टर हंटर का लोर जो है वो बहुत ही अनयूजुअल सा है। खैर चलता हूँ मैं चेंज इक्विपमेंट पे, सब कुछ है मैनेज में ही देखता हूँ। ठीक है यार, तो क्वेस्ट तैयार है तो चल लेते हैं क्वेस्ट पे। तो पहुंच चुका हूं मैं वाइल्ड स्पायर वेस्ट पे। पहले कोशिश करता हूं कि मील ही खा लूं। मैं नहीं चाहता कि लास्ट टाइम जैसे फिर से पिटू में रहती हूं से। हेल्थ बूस्ट 50, स्टैमिना बूस्ट 50, काफ़ी अच्छे स्टार्ट से शुरुआत के लिए। तो चलो यार चल लेते हैं अभी राथियन को मारने। इससे पहले देख लेता हूँ आइटम बॉक्स में कुछ है कि नहीं। जो चाहिए वो तो है, क्योंकि इस बार मैं कैप्चर करने वाला हूँ और इन्वेंटोरी में बेसिकली क्या कहते हैं शॉक ट्रैप था, तो मैं शॉक ट्रैप क्राफ्ट कर लेता हूँ। ट्रैंक बॉम्ब भी है तो यार चल लेते हैं अभी। और लगता है ट्रैक्स वगैरह फिर से ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि यूजुअली मतलब कंडीशन तो यही रहती है कि शुरू में कोई भी नया मॉन्स्टर सर्च करो या फिर कोई नया मॉन्स्टर मिले तो उसके ट्रैक सर्च करने पड़ेंगे। बने रहो मेरे साथ। यहाँ का इकोसिस्टम भी बड़ा मज़ेदार है। अरे ओके नए ट्रैक्स हैं, लग तो रहे हैं पिंक रैथियन के ही है, लेकिन ब्लू कलर के स्काउट फ्लाइज है। ये
इसका मुझे ये चीज़ नहीं पता चलता कि ब्लू कलर के स्काउट फ्लाइज यूजुअली कोई भी नए मॉन्स्टर के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन पिंक रैथियन को मैं पहले पकड़ चुका हूँ, तो आई डोंट नो यार, शायद ये एक और फुटप्रिंट, शायद कोई तो भी नया मॉन्स्टर होगा। ठीक है, ओल्ड सियर्ड फर लिख के आता है, और फुटप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स। आगे थोड़े और फर लिखे हुए हैं यार। इन जानवरों पर मेरे को गुस्सा आता है, पैकीसेफिलोसॉरस पीछे पड़ जाते हैं और मेरा मैप भी अभी रेड हो गया, अब तो लड़ना ही पड़ेगा। अब तो फुटप्रिंट्स में भी स्काउट फ्लाई आ नहीं रहे। ठीक है, गलत टाइम पे पंगा लिया तो पे बैक तो करना ही है। एक ख़त्म, और ये गलत शॉट, नाइस। और ये नाइस, लगा नहीं था कि वो दूसरा क्या कहते हैं, भूल गया मैं इन मॉन्स्टर के नाम क्या है, लगा नहीं था वो दूसरा मॉन्स्टर उस टाइम पे आ जाएगा, बट ठीक है। एक और फुटप्रिंट मेरे को दिख रहा है ऊपर से, लेकिन पहले ही मैं ये बाल कलेक्ट कर लेता हूँ। नाइस, और एक और फुटप्रिंट। इस फ्रीक्वेंसी पे अगर फुटप्रिंट मेरे को पिंक रैथियन के मिल जाते तो मुझे पिंक रैथियन के फुटप्रिंट्स ऑफ स्क्रीन नहीं खोजने पड़ते। ओल्ड डियाब्लो स्क्रैचेस, अच्छा ठीक है। मल्टीपल मॉन्स्टर लग रहा है मैप के अंदर है, लेकिन अगर नीचे देख सकते हो बॉटम लेफ्ट में तो डियाब्लोज और रैथियन ही दिख रहे होंगे, लेकिन इनको देखकर लगता है कि और भी ज़्यादा मॉन्स्टर मौजूद है यहाँ पे एक ही इकोसिस्टम पे, और शायद एक से ज़्यादा हो क्योंकि ये एक नया मॉन्स्टर है और एक क्या कहते हैं पिंक रैथियन भी यहीं पर मौजूद है। और फुटप्रिंट्स, नाइस। तो इस गेम का एक और ये भी मैकेनिक में बता दूं कि कभी कभी मॉन्स्टर को इंट्रोड्यूस करने से पहले ही ये लोग कुछ क्लूज वगैरह छोड़ के जाते हैं, ताकि थोड़ा क्या कहते हैं इंटरेस्ट बना रहे, उम्मीद बनी रहे प्लेयर पे कि नए मॉन्स्टर मिलने वाले हैं। नाइस, एक और, ओके। तो रैथियन के फुटप्रिंट तो मिल गए, लेकिन ये ग्रीन रैथियन है, पिंक रैथियन नहीं। तो एक बार मैं फिर से फर्स्ट स्पॉन पॉइंट पे जाता हूँ, फिर से तलाश सर्च करता हूँ, देखता हूँ इस बार क्या कहते हैं कुछ तो भी नए फुटप्रिंट्स मेरे को मिलते हैं कि नहीं। तो लास्ट टाइम मैं नीचे की तरफ गया था, इस बार लेफ्ट की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ जाऊँगा। अब तक कोई भी, ओके। और ये है ओल्ड गैशेस, नाइस। ओल्ड गैशेस यानी कि पिंक रैथियन के गैशेस, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसके अलावा और कोई हो सकता है यहाँ पे। ओल्ड फुटप्रिंट्स। तो यार, स्काउट फ्लाई ने पकड़ लिया है सेंट, और मैं चलता हूँ स्काउट फ्लाइज के पीछे। बड़ी अजीब सी बात है, यूजुअली बारिश के टाइम पे फुटप्रिंट्स वगैरह ख़त्म हो जाते थे, लेकिन अभी पानी के अंदर फुटप्रिंट्स मुझे दिखने को मिला है। और पिंक रैथियन, नाइस। गलत रास्ते पर जाते टाइम पे ही, ओके। इमेजिन करो पूरे टाइम अगर पिंक रैथियन अपना पीछा कर रहा होता तो, और कोशिश करता हूँ इसको, क्यों मैंने कोशिश करी इसको कि वॉल बैंक कर सकूं, लेकिन वॉल बैंक काम आया नहीं वैसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसके पूंछ को ही टेंडराइज करता हूं मैं। पहले ही इसने जोन चेंज कर लिया, चलो ठीक है। सर
जैसा कि तुमने देखा वो हवा में था और मैंने उसको क्या कहते हैं वॉल बैंक करने की कोशिश करी, लेकिन वॉल बैंक हुआ नहीं। वो पता नहीं क्यों, मे बी मिड अटैक था, मे बी क्या, बट होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इन एब्सरोस के पीछे मैं छुप जाऊंगा। वैसे ही बहुत ज्यादा अनोइंग रहते ये लोग। पूरी टाइमिंग, बढ़िया डॉज। मैं विंड प्रेशर से फंस रहा हूं यहां पे। नाइस डॉज, एक और बार फिर से विंड प्रेशर पे फंस गया मैं। और यार ये तो गलत हुआ, ये तो बहुत ही वन साइडेड मैच हो रहा है। पानी में एक बार मैं अगर डॉज रोल कर दूं तो आग बुझ जाती है, तो हेल्थ फुल। और एक और नाइस नाइस। और यार देख सकते हो मैं चढ़ चुका हूँ इस पे, और कोशिश करूँगा कि इस बार पूंछ पे ही पूरा डैमेज दूँ। इसकी पूंछ काटनी है बेसिकली मुझे। चार स्लैश मारना चाहिए बस एक बार, और प्रॉबेबली पूंछ कट जाए उसके बाद। ये एक और अजीब मैकेनिज्म है यार, चार स्लैश मैंने दिया नहीं। चलो कोई नहीं, सर को ही टेंडराइज कर देता हूँ, एटलीस्ट थोड़ा डीपीएस बढ़ेगा उससे। बच गया मैं, उसके पैरों के एकदम बीच में से निकला, हिटबॉक्स से हिट नहीं किया मुझे। और राथियन फिर से नीचे, नाइस डॉज। पोजीशनिंग ले लेता हूं मैं, और ये हिट, बढ़िया बढ़िया डॉज रोल था वो। ओके नाइस, मौका मिलते ही इसके पैरों को भी मैं कर दूंगा टेंडराइज। कोशिश करी मैंने कि शोल्डर टैकल कर दूं, एक लग जा नहीं। अगर वो शॉट उसको लग जाता तो वो हवा से सीधा ही नीचे गिरता। तो शोल्डर टैकल करने की कोशिश में मुझे जहर लग गया। तो जैसे कि तुम देख सकते हो यार, उसके पूंछ में कांटे भरे हुए, और मुझे लगता है वो वहीं से जहर ट्रांसफर करता होगा। पत्थर पर मैं नहीं चढ़ सकता, खैर कोई दिक्कत नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके जो रनिंग अटैक्स होते हैं वो तीन बार करता है यूजुअली। ओके बेजल गीज, कैसे, क्यों ये कहां से आया यार। हील कर लेता हूं मैं खुद को, होपफुली इनके बीच में टर्फ वॉर हो जाए। अभी तक तो नहीं हुआ। खैर ये देख सकते हैं, ये है कैक्टोर। ये बेसिकली एक और प्राणी होता है यहाँ का, इसको एक बार लात मारोगे तो गुस्सा होके दूसरों को 100-100 करके डैमेज देगा, और तुम्हें भी थोड़ा बहुत डैमेज देगा। खैर इग्नोर करते हैं इसको। मुझे ये समझ नहीं आ रहा अब तक इनके बीच में टर्फ वॉर क्यों नहीं हो रही। दोनों के रोर को मैंने डॉज रोल कर लिया, नाइस। मौका मिलते ही थोड़ा डैमेज दे। अरे बाप रे, अगर वर्ल्ड वॉर 2 के मुझे पुराने दिन याद आ गए, द गुड ओल्ड डेज, जब प्लेन्स कारपेट बॉम्बिंग करते थे ऊपर से। बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है उससे इसका डिजाइन। खैर यहां से निकल लेते हैं। ओके ऑफ कोर्स टूल ये मेरे पीछे है, और अभी भी ये मेरे पीछे है। मिनी मैप में मुझे दिख रहा है कि ये मेरे पीछे है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। मेरा स्टैमिना खत्म हो चुका है लेकिन उसका परसिस्टेंस खत्म नहीं हो रहा। खैर कोई दिक्कत नहीं,
अरे कैसे? बहुत ज्यादा करीब था मैं वहां पे, अगर डॉज नहीं करता तो हिट होना ही था वहां पे। तो राथियन भी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक इनके बीच में टर्फ वॉर क्यों नहीं हुआ वो मुझे समझ नहीं आता। ओह नाइस, तो राथियन स्टन हो गई। इसी मोमेंट पे मैं कर देता हूँ इसको टेंडराइज। और यार ये देखो, वो कारपेट बॉम्ब करने में लगा हुआ है उसके ऊपर। और ये बूम, नाइस। आधा क्वेस्ट तो ब्लेजल गीज़ ही खत्म कर गया मेरे लिए। पीछे की तरफ नाइस, एक और स्टन। अरे कैसे, अरे यार कलर ड्रैगन पे सवार हो गया मैं। खैर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दिक्कत है क्योंकि अगर मैं इस पे सवार हो गया, ओके ऊपर देख सकते हो यार रैथियन जो है वो कमजोर हो चुकी है, तो इसको जैसे ही स्टन करता हूँ मैं भाग लूंगा यहाँ से और रैथियन को मैं कर लूंगा कैप्चर। और आ चुका है चार्ज स्लैश, नाइस। तो इससे भी कोई लेना देना नहीं है, मैं भाग लूंगा यहाँ से। शॉक ट्रैप रेडी है यार, ये पीछा ही नहीं छोड़ रहा मेरा। ओके नाइस, तो कामिकाजे बॉम्बर जो है पीछा छोड़ चुका है अभी, देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। तो यार चलो अभी ढूंढने चलता हूँ राथियन को। और यहाँ पर कुछ और भी ओल्ड फुटप्रिंट्स वगैरह मिल रहे हैं। लोकेशन दिख नहीं रही मुझे इसको मैप में, अगर मैं पिन कर सकूँ तो नाइस। शायद पुराने नेस्ट लोकेशन की तरफ ही मैं जा रहा हूँ, स्कॉट फ्लाइज वही लेकर। ओके हाँ, पुराने नेस्ट का ही लोकेशन है जहाँ पर मुझे ग्रीन राथियन के फुटप्रिंट्स मिले थे। तो इसके दो मतलब हो सकते हैं, इसका एक तो ये मतलब हो सकता है कि ग्रीन राथियन और पिंक राथियन जो है सिबलिंग्स होते हैं, या फिर इसका ये मतलब हो सकता है पिंक राथियन क्योंकि सब स्पीशीज है और हाई रैंक में इंट्रोड्यूस कराते हैं तो स्ट्रॉन्गर स्पीशीज होगी ये, और ये ग्रीन राथियन को हंट करती है। कैनिबलिज्म। तो यार चलो कर दिया है पिंक राथियन को मैंने कैप्चर। लूट भी ठीक ठाक ही मिली है, अच्छा खासा अमाउंट है। ओके नाइस हंट। अभी ऊपर दिखा रहे हेड टू द एवरस्ट्रीम, लेकिन उससे पहले मैं एक बार स्मिथि के पास जाऊंगा, देखता हूँ कुछ नया है कि नहीं। मुझे ये नहीं पता मैं सीढ़ियाँ क्यों चढ़ रहा हूँ। तो यार एक चीज देख लेता हूँ स्मिथि के पास जाने से पहले क्या कहते हैं, स्मिथि के पास बाद में चल सकते हैं, पहले एवरस्ट्रीम में ही चल लेते हैं क्योंकि लास्ट टाइम पिंक राथियन से ही कुछ नए वेपन्स क्राफ्ट हो ही गए थे, तो इस बार मुझे नहीं लगता कि पिंक राथियन को फिर से मारने से कुछ नया अनलॉक हुआ होगा। ओके आ चुके हैं एवरस्ट्रीम पे।
like that. Hey, isn't that... That's where we led Zora Magdaros out to sea. Exactly. Come on, follow me. Wait, I never introduced myself, did I? I'm the Admiral, the Commission's top dog. Of course, I leave the day-to-day stuff to the Commander. I'm not much for being tied down, see? Anyway, I was chasing down this monster when I stumbled upon this place I'm about to show you. What monster? Nergigante. After Zora Magdaros vanished into the sea, Nergigante disappeared too. So I decided to track it down, and this is where it led me. A gap in the earth that was probably wrenched open by Zora. Did you find Nergigante? I expect to, and not far ahead. Yeah. तो शायद यार इसी मैप में मुझे Nergigante से मुलाकात होने वाली है. देखते हैं क्या है क्या नहीं. थोड़ा तेज चलो एडमिरल. You can feel it in your bones, right? Something is astirring. That's because the Everstream is just pulsing with incredible amounts of energy. All those crazy tough monsters you tangled with, they must have come from deeper within. Why? What's here? You'll see. Zora riled something up when it visited the New World. Something that runs deep. Got us to come to the New World. Nergigante too. तो जोरा की ही वजह से जो बड़े और ताकतवर मॉन्स्टर है वो न्यू वर्ल्ड पे आए और Nergus Gigantus भी उसी रीजन से आया. नाइस. यस सर. तो ये वही क्रिस्टल्स है जो एडमिरल लास्ट टाइम लेके आया था लास्ट वाले कट सीन पे. कहाँ पे? अच्छा शायद अपने को यहाँ पे पहले जाना पड़ेगा. तो यार जगह का नाम है एल्डर्स रीसेस. हाँ बहुत ही अधेड़ तरीके के माउंटेन फॉर्म्स है. There's so many of these crystals in here, you're likely to trip on them. Some of them are huge. How do they form? Beats the heck out of me, but I'll tell you what. This place is sizzling with bioenergy, and that means the monsters around here are tougher than Nova crystals. Admiral, there's something that's been bothering me. Which is? Why would Zora Magdaros tunneling in here instead of simply dying in the Vale? Was something here luring it in? Who knows, kid? But we do have one clue. Nergigante. You're right. Nergigante and Zora Magdaros. We've always seen them together. It must have had its own reason for coming. And not just him, either. Fact is, loads of powerful monsters have holed themselves up in here. We need to track them one by one. And maybe we might just find a pattern. Right. Of course I'm right. Now get ready. Okay, तो एडमिरल कहते हैं
First, we are gonna take a little stroll in the Elder's Recess. Then we are gonna study the monsters that live there. And lastly, we are going to scout out Nergigante tracks. Easy, right? Stroll, study, scout. You ready? Of course you're ready. Time to move. तो जितना मुझे देखकर लग रहा है स्टोरी में कुछ नए चेंजेस आने वाले हैं. तो बेसिकली उनके डायलॉग्स के हिसाब से जितना मुझे समझ आ रहा है कि ज़ोरा मैगडरोस जो है वो क्योंकि मरने वाला था, राइट? और क्योंकि नर्गीगांटे हमेशा उसी के साथ रहता था और ज़ोरा मैगडरोस इसी एवरस्ट्रीम से हो करके गुजरता था, तो हो सकता है कि नर्गीगांटे क्या कहते हैं उसके पीछे मंडराते मंडराते आ गया हो. क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर नर्गीगांटे के ट्रैक्स अपने को मिल सकते हैं. और यस, फर्स्ट ट्रैक्स, नाइस. तो अभी ऑब्जेक्टिव में अपने हैं साइट मॉन्स्टर्स इन एल्डर्स रीसेस और सर्च फॉर एविडेंस ऑफ नर्गीगांटे. ठीक है, कुछ और ट्रैक्स. ओके, नर्गीगांटे इतनी जल्दी तो नहीं मिलेगा. छिपकली इस, और ये छिपकली उन्हीं पत्थरों को यानी कि क्रिस्टल्स को खा. अरे बाप रे, इसकी शक्ल को देखकर इसकी इस छिपकली की शक्ल को देखकर जियान याद आता है और शरीर को भी. ठीक है यार, शुरू करते हैं. कोशिश करता हूँ इसको टेंडराइज करने का, लेकिन उससे पहले मैं करूँगा वॉल बैंक. नाइस. और देखकर लगता है ये जो क्रिस्टल्स है वो डिस्ट्रक्टेबल है. नाइस. मुझे लगा वो अटैक करने वाला है इसलिए मैंने फोरसाइट ले लिया. नाइस फोरसाइट, उसके रोर को मैंने डॉज कर दिया और ये ऑलरेडी थका हुआ लग रहा है. ओह नाइस टर्न. एक और स्पिरिट गेज पावर अप करना है. ये कर क्या रहा है? ग्रेट ग्रेट जगरॉर्स जो है वो दूसरे एनिमल्स को खाता था और ये पत्थरों को खाता है. तो यार मुझे लगा था ब्लास्ट ब्लाइट, तो तीन बार अगर रोल करूँ तो ब्लास्ट ब्लाइट चला जाता है. अरे बाप रे, एक और. अभी तो ये स्पैम कर रहा है बस. नाइस सेव. दो तीन चार पांच और ये स्पिरिट गेज फुल. नाइस. और ये स्पिरिट हेल्म ब्रेकर, बढ़िया. बहुत बहुत जल्दी फोरसाइट कर दिया मैंने उधर पे. अरे कुछ ज्यादा ही बड़ा डैमेज था, वो उतना एक्सपेक्ट किया नहीं था मैंने. मुझे लगा था मैं टैंक कर लूंगा. ठीक है यार, कोई नहीं, फिर से कोशिश करता हूँ. पहले मैं करूँगा स्वॉर्ड को शार्पन. बड़ी शर्म वाली बात है, मैं डोडो गैमा जैसे मॉन्स्टर से मर गया. ये कैसा मूव है? वो कंफ्यूज है, उसको पता नहीं चल रहा कहां से उसको हिट पड़ रही है. ओके फोरसाइट, नाइस. अरे यार मिस. फिर से कोशिश करेंगे. एनिमेशन में अटक गया मैं. और ये
नाइस टर्न। कोशिश करूंगा इस बार स्पिरिट गेज पहला लेवल पर ले आऊं। एक और लगता है गजलाकाज ने इनको स्टन कर दिया है। एटलीस्ट कबीले वाले किसी काम के तो है। फोरसाइट के चक्कर में था मैं उधर पे, लेकिन जैसा कि तुम लोगों ने देखा वो मिस हो गया। इसको रोकने की कोशिश करता हूं मैं। पहला शॉट नाइस। एक और बार एक, अरे एक और बार नाइस। ऐसा लग रहा है वो दूसरे लड़खड़ाने लगा है बेसिकली, तो कमजोर हो चुका है। चलो इसको भी खत्म कर ही देते हैं। कोशिश करा था फोरसाइट का लेकिन हुआ नहीं। तो यार फोरसाइट ऐसा नहीं है कि कभी भी मॉन्स्टर अगर अटैक करे तो मार दो, एक बहुत ही सही टाइम पे होना। अरे यार क्यों क्यों, एक बार मर चुका हूं मैं, फिर से नहीं मरना चाहता। तो यार वाइटलिटी प्लांट से कर लेता हूं खुद को हील। और ये डोडो गैमा खत्म, नाइस। और देख सकते हो बैकग्राउंड में कबीले वाला नाच रहा है और मेरा बिल्ला उसको मारने में लगा हुआ है। नाइस, कर लेता हूं मैं नर्गस गाइगेंटस के ट्रैक्स कलेक्ट। बहुत ही मजेदार म्यूजिक है इन कबीले वालों का। ज्यादा ट्रैक्स लग नहीं रहे, तब तक रिसोर्स ही फार्म वगैरह कर लूंगा। ड्रिंक है नहीं मेरे पास, तो चल के देखते हैं क्या है क्या नहीं। और जैसा मेरे को लग रहा है हीट की वजह से मेरी हेल्थ कम होती जा रही है, तो यहाँ से निकलना ही बेटर रहेगा। इससे पहले मैं आगे बढ़ के या फिर किसी और मॉन्स्टर के साथ यहाँ पर बुरा न्यूज़ है ये। कुछ तो भी खतरनाक आने वाला है यहाँ पे। लवासियोत, नाइस। तो यार बेसिकली ये मुझे लावा वाला ज्यूराटोटस लग रहा है, अगर तुम्हें याद होगा जो शुरू के कुछ एपिसोड्स में पानी वाले मॉन्स्टर को मैंने मारा था, तो ये वही लग रहा है। रास्ता पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ ही है, तो इसको इग्नोर करते हुए निकल लेते। वैसे लग तो रहा है कि वे डोसाइल है, ज़्यादा कुछ करेगा नहीं। तो यार मुझे नहीं लगता कि डोडोगामो को भी मारना ज़रूरी था, लेकिन ओके। तो जैसे ही मैंने मशरूम कलेक्ट किया ना, तो तुम देख सकते हो कूल ड्रिंक साइड में ऐसे बन के आया, तो शायद चिल श्रूम कलेक्ट करते ही कोल्ड ड्रिंक मिलता है। और अरे बाप रे, ये चार्ज नहीं कर रहा मेरे पे, तो शायद से डोसाइल ही है वो। कुछ और प्रिंट्स मिले हैं मुझे, और यहाँ पर कुछ और चिल श्रूम्स वगैरह है।
ये कहाँ हूँ मैं? कभी कभी यहाँ के अधेड़ से रास्ते समझ नहीं आते मुझे। खैर ओ एक सेकेंड, मुझे लगा वो एनवायरनमेंट का हिस्सा है, मुझे लगा था वो कलेक्टेबल होगा। बड़ा ही मज़ेदार एनिमेशन था, लगता है जो भी वो रिसोर्स था वो बहुत ज़्यादा कीमती होगा। ओल्ड रट, इसको भी मैं कलेक्ट करता हूँ। बैरल डिपॉजिट, नाइस। इसके नीचे भी जाकर देख लेते हैं। वैसे लगता नहीं यहाँ पर और कोई मॉन्स्टर रह सकता है, वो एरिया या फिर वो गेट ही इतना छोटा लग रहा था कि वहाँ पर सिर्फ डोडोगामा आ सकता है। मुझे नहीं लगता नरगी गांटे यहाँ पर अपने ट्रैक्स छोड़ सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सारा क्रिस्टल्स भरे हुए हैं, तो शायद कुछ ना कुछ रिसोर्स वगैरह मिल जाए। तो ये लगता है कबीले वालों का एरिया है, उनका कैंप, और वो मज़ेदार वाला म्यूज़िक भी बैकग्राउंड में बज रहा है, बोंगो बजने वाला। वेल एनीवेज यहाँ से निकल लेते हैं। इस बार कोशिश करता हूँ दूसरी तरफ जाने का, जहाँ पर जो बेलें लटकी हुई थी। ये क्या है, घुस नहीं सकता मैं यहाँ पर पे। खैर नाइस, एक और कबीले वालों का इलाका लगता है। ना ये कैंप साइट है बेसिकली। तो यार पहले भी बहुत सारे कैंप साइट मैंने अनलॉक करे हैं, लेकिन मैंने तुम्हें कभी ये नहीं बताया कि कैंप साइट को अनलॉक करने के बाद उनमें क्या कहते हैं, उनमें फास्ट ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। बेसिकली कैंप साइट जो है वो मैप के अंदर ढूंढ तो लिया है, लेकिन उनको अनलॉक नहीं किया, कहने का मतलब है। उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊँगा, पहले इस क्वेस्ट को कम्प्लीट कर लेते हैं। ओह नाइस, बड़ी चढ़ाई के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एवर स्ट्रीम है या फिर जो एल्डर्स रीसेस है उसके मैं चोटी तक पहुंच चुका हूं, लेकिन अभी भी मुझे नरगी घाटे के पैरों के निशान नहीं मिल रहे। चढ़ तो गए, लेकिन यहां से उतरने के लिए फिर से वही, या शायद नहीं। गेम में फॉल डैमेज नहीं है यार, तो जब भी कूदना है कूद जाओ, कोई दिक्कत नहीं रहती। बस जिंदगी में इतनी मजबूत हड्डियां होनी चाहिए और इतना मजबूत शरीर होना चाहिए। थोड़ी चिल श्रूम कलेक्ट कर लेता हूं मैं। Your stamina cap has dropped. Eat some well-done steak to restore it to max. Okay. तो यार ये है गेम का बेसिकली लूप। एक्सपीडिशन में कभी कभी ये होता है कि इतना खो जाते हो कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम बीत चुका है, तो स्टैमिना वगैरह डाउन होता रहता है। तो खा लेता हूँ मैं एक वेल डन स्टेक और बढ़ लेता हूँ अरे आधे, अरे बाप रे, आधे नरेशन के बीच में इतना खतरनाक मॉन्स्टर। पहले अपने को बेजल गीज मिला था, याद होगा, जो कारपेट, वो कारपेट बॉम्बर था, और ये थैनोस बॉम्बर है और इसका नाम है उरागान। अगर याद होगा तो रेडोबैन करके भी एक मॉन्स्टर था जिसको पिछले कुछ क्वेस्ट में मारा था रोटन वेल पे। तो ऑब्जेक्टिव में दिखा नहीं रहा कि इसको मारना है, तो मैं भी इसको करता हूँ इग्नोर। मुझे नहीं लगता इससे लड़ने के काबिल हूँ मैं अभी।
अरे 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 गया 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 बच गया। बस एक मीटर की दूरी पे था मैं, नहीं तो थैनोस की चिन क्रशिंग फोर्स से खत्म हो जाता मैं। हर्ब कलेक्ट कर लेता हूँ, वैसे ही पोशंस वगैरह कम है मेरे पास। तो यार नरगी कांटे के ट्रैक्स यहाँ पर तो मिले नहीं, कुछ और जगह देख सकता हूँ मैं। और अरे यार मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एनोइंग मैप है ये अजूरे रैथलॉस। पहले पिंक रैथियन और अभी अजूरे रैथलॉस। और अभी क्यों, और अभी ये बदसूरत चिड़िए। मॉन्स्टर से तुम्हें इतना गुस्सा नहीं आएगा जितना इन परिंदों से आएगा यार, कभी भी कहीं पर भी। और रैथलॉस मेरे पीछे ऑफ कोर्स, और इससे बुरा क्या ही होना था, इससे भी नहीं लड़ना मेरे को, मैं निकल ही लूंगा यहां से फिलहाल। तो यार एक जगह है जहां पर मैंने ट्रैक्स वगैरह सर्च किए नहीं अभी तक, और अगर तुमको याद होगा वो लवासियोत का एरिया था। एक और रेयर रिसोर्स मिला है लगता है। खैर मैं मैप के इतने चक्कर लगा लिया कि वो रिसोर्स पॉइंट जो है वो रिस्पॉन हो गया। तो लवासियोत के उस एरिया में जाकर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि उस दूसरी तरफ कुछ है कि नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम अगर तुमको याद होगा मेरे पास कूल ड्रिंक नहीं था और उसकी वजह से मैंने वो एरिया पूरा डिस्कवर नहीं किया था। होपफुली वहाँ पर नरगी कांटे की कुछ और ट्रैक्स वगैरह मिल जाए। काफ़ी लंबा जा रहा है ये वाला एक्सपीडिशन, लगा नहीं था मुझे। ये क्या था, एक सेकेंड, एक नया मशरूम लग रहा था वो, मैन ड्रैगोरा। ओके रिक्वायर्ड टू क्राफ्ट मैक्स पोशंस, ठीक है। ओके तो ये मशरूम चाहिए मैक्स पोशन क्राफ्ट करने के लिए, नाइस। और ये है लवासियोत, एग्रो है, एग्रो है आई गेस, लवासियोत डोसाइल ही है देखकर लग रहा है। तो यार नरगी कांटे के ट्रैक्स हो चुके कलेक्ट, तो एस्टेरा रिटर्न चलते हैं। और काफ़ी बड़ा मैप अनलॉक किया आज मैंने, तो एस्टेरा रिटर्न चलता हूँ मैं, देखता हूँ। ऑफ कोर्स सर, जब भी मिनी मैप में कोई भी मॉन्स्टर एग्रो हो जाए तो फास्ट ट्रेवल नहीं कर सकते, और लवासियोत मेरे पे एग्रो है। ट्राई करता हूँ यहाँ पर छिपने की ना, होपफुली वो रेड मार्कर हट जाए मिनी मैप से, और हट गया, नाइस। तो यार एक्सपीडिशन यही कंप्लीट करता हूँ, देखता हूँ आगे का क्या है। होपफुली नरगी कांटे के लिए इनफ ट्रैक्स कलेक्ट हो जाने चाहिए। बहुत ही कम लूट मिली है मुझे डोडोगामा से। कमांडर कहते हैं, ओह यू आर बैक, आई हैव समथिंग अर्जेंट टू टेल यू, आई हैव रिसीव्ड क्वाइट अ फ्यू अनसेटलिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम द फील्ड टीम दैट एल्डर ड्रैगन्स आर शोइंग अप अक्रॉस द रीजन, एंड दीज रिपोर्ट्स स्टार्टेड पोरिंग इन अराउंड द सेम टाइम दैट यू वर आउट इन्वेस्टिगेटिंग द एल्डर रीसेस, दैट लीड्स मी टू बिलीव देयर समथिंग, there's some connection to whatever Nargi Kante is up to. I want you to keep looking into what that connection might be. I'll work from my end to gather more information about the Elder Dragons and determine the appropriate response. I think we have enough data on Nargi. तो यार ऐसा लगता है कि Nargi Kante ही reason था वो सब करने के लिए।
तो यार तुम्हें दिखा देता हूँ कि जो क्या कहते हैं, पहले इससे बात कर लेते हैं, चीफ इकोलॉजिस्ट से। तो वो कहते हैं, ah, there you are. I thought I should tell you the admiral asked us to study Nergigante. And study it we did. We'll put a quest out soon. In the meantime, there's something you should know. Based on the evidence you provided, we have figured out what it feeds on. And that's Elder Dragons. Shocking, yes. But true, Nergigante feeds on Elder Dragons. तो यार बेसिकली नर्गीगांटे जो है उसका खाना है एल्डर ड्रैगन। तो शायद इसलिए वो ज़ोरा मैगडरोस के पीछे था, क्योंकि ज़ोरा मरने वाला था और शायद उसी की वजह से वो ज़ोरा के पीछे लगा हुआ था। क्योंकि मतलब सोच के देखो, अगर तुम एक बड़े एल्डर ड्रैगन हो और इतना बड़ा एल्डर ड्रैगन तुम्हें मरा हुआ मिल गया, तो सालों सालों के लिए तुम्हारी फीस्ट होती रहेगी। और ज़ोरा बेसिकली मरने के बाद डीकम्पोज नहीं होता, वो बायो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जैसा कि पिछले कुछ कट सीन्स में हमें बताया गया था। तो यार एटलीस्ट अभी पता चला नर्गीगांटे क्या कहते हैं एल्डर ड्रैगन्स के पीछे क्यों पड़ा रहता है। इट डज एक्सप्लेन व्हाई वी ओनली सी नर्गीगांटे ड्यूरिंग एल्डर्स क्रॉसिंग एंड व्हाई इट्स हंटेड ज़ोरा मैगडरोस सो रिलेंटलेसली। जैसा कि मैंने कहा, There's only one way to classify a monster that can't be classified, and that's to toss it into the Elder Dragon pile. Anyway, I just thought you should know the commander will fill you in on the rest. Good luck out in the field. ठीक है यार, तो basically यही था कि नर्गीगांटे का जो investigation complete हो चुका था। तो अभी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि क्या कहते हैं कैंप्स वगैरह कैसे अनलॉक करते हैं। और मुझे याद नहीं आ रहा किससे बात करनी पड़ती है कैंप अनलॉक करने से। स्मिथी शायद, नहीं देख लेते हैं कुछ अपग्रेड करने को है कि नहीं। और कुछ वाइट कलर का तो भी शेल दिखा रहा है मॉन्स्टर पार्ट, जो कि अपने पास है नहीं। इसके पास भी ऑप्शन नहीं है। आर्मर भी चेक कर लेते हैं। ब्लॉसम ए, क्विक शीट, स्काउट फ्लाई, रिकवरी, हेल्थ बूस्ट। तो यार इनगॉट वेम्ब्रेसिस बीटा में हेल्थ बूस्ट के 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं मुझे। मैं सोच रहा हूँ इनको क्राफ्ट करूँ कि नहीं, क्योंकि हेल्थ बूस्ट के बेसिकली 2 पॉइंट मुझे इसमें भी क्या कहते हैं जो करंट आर्मर है उसमें मिल रहे थे, हेल्थ बूस्ट 3। तो मुझे बेसिकली अभी चाहिए स्टैमिना बूस्ट थोड़ा सा, क्योंकि इंसेक्ट ग्लेव वगैरह डुअल ब्लेड्स वगैरह यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टैमिना चाहिए होता है। इन गॉट अल्फा ईयर प्लग्स, नाइस, हैवी आर्टिलरी, हैंडीक्राफ्ट, ब्लास्ट। देखकर लगता नहीं कि कुछ काम का है। और इसके पास मैप्स अनलॉक करने का भी कुछ वो नहीं। ओके, एक बार नीचे के स्टॉकपाइल मैनेजर से पूछ के देखते हैं कि उसके पास कुछ होगा क्या, क्योंकि हैंडलर यूजुअली हेड हॉन्चेस को मेंशन करती है। तो इनसे एक बार पूछ के देखते हैं। टेक चीफ, नहीं इससे बात नहीं करनी। ओ ओके, न्यू डिलीवरी रिक्वेस्ट। ओके, तो बेसिकली यार यही रहता है कि जब भी तुम कोई नया कैंप साइट वगैरह या फिर वैसा कुछ तो भी डिस्कवर करते हो, उसको डिस्कवर तो कर लेते हो लेकिन उसको अनलॉक करने के लिए, उसको एलिजिबल बनाने के लिए, फास्ट ट्रैवल के लिए तुम्हें कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ती है और उनको सबमिट करना पड़ता है। बात करते हैं हेड हॉन्चेस से। हेड हॉन्चेस कहती है ना उधर है, चलो जाने ही दो, क्या ही है वैसे। मेगा पोशंस की बारे में बेसिकली बात चल रही है। हंटर ऑफ योर कैलिबर शुड नो, ठीक है। सप्लाई, वी नीड समवन टू हेल्प अस रीफिल आवर स्टॉक्स। तो बेसिकली मेगा पोशन का अभी जितना मेरे को लगता है
शायद एक मेगा पोशन का डिलीवरी रिक्वेस्ट मेरे को आने वाला है जिस हिसाब से ये बोल रही है। ऑफ कोर्स डिलीवरी रिक्वेस्ट मेगा पोशन। ओ कंप्लीटेड लिमिटेड बाउंटी। तो यार इसका यही फायदा है कि क्वेस्ट करते करते कब लिमिटेड बाउंटीज कंप्लीट हो जाते हैं पता नहीं चलता। तो एक बार कंप्लीट डिलीवरीज करके देखते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो एंशिएंट फॉरेस्ट 1, एंशिएंट फॉरेस्ट 2, वाइल्ड स्पायर वेस 2, कोरल हाइलैंड्स। जो वाइट कलर के हैं ना तो उसको बेसिकली इसका मतलब ये है कि अपन के पास उसके रिसोर्सेज है जो मैं सबमिट कर सकता हूँ इसको, और वो वैसे वैसे वो कैंप्स अनलॉक होते रहेंगे। जो ग्रेड आउट है उसका बेसिकली रिसोर्स नहीं है, जैसे कि एल्डर स्विसेस वर्न का बारनोज हाइड। इसका मतलब कि जो बारनोज हाइड है, जो वो छोटे छोटे परिंदे होते हैं, मुझे उनकी चमड़ी चाहिए। ग्रेट हेल्प, यही है मेगा पोशन वाला, तो उसको भी कर देता हूँ मैं। तो यार बेसिकली यही था। एक बार देख लेता हूँ ऑप्शनल क्वेस्ट में भी क्या बचा है। और जैसा कि तुम देख सकते हो काफ़ी सारे क्वेस्ट बचे हैं ऑलमोस्ट हर स्टार लेवल पे, एक या दो को छोड़ करके। तो यार ये क्वेस्ट मैं करूँगा कल के एपिसोड पे। तो यार दोस्तों आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुमको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ तुम्हें मॉन्स्टर हंटर का गेम अब तक कैसा लग रहा है, कौन से वेपन्स तुम्हें अच्छे लगे, आज का सेशन तुम्हें कैसा लगा, क्योंकि आज के सेशन में मोस्टली एक्सपेडिशन थे। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा और मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड पर।